जनपद पंचायत ब्योहारी के थाना पंपोध अंतर्गत निपानिया तिराहा, जहां आए दिन जाम की स्थिति बनती थी और अवैध कब्जा किया जा रहा था। वहीं जिला प्रशासन के आदेश अनुसार ब्योहारी एसडीएम पीके पांडे के निर्देश अनुसार नायब तहसीलदार अमित मिश्रा, आरआई भूपेंद्र सिंह और साथी में पंपोध सर्किल के समस्त पटवारी प्रसून मिश्रा, सुशांतु शुक्ला और राजस्व विभाग के समस्त अधिकारियों सहित ब्योहारी पंपोध की पुलिस बल मौजूद रही और गनीमत रही कि अतिक्रमण के दौरान किसी भी तरह की गहमा गहमी नहीं हुई। वहीं जब नायब तहसीलदार अमित मिश्रा जी से बात की गई तो बताया गया कि यहां लोगों का भी अच्छा योगदान रहा और शांतिपूर्ण ढंग से अतिक्रमण की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शाम 8 बजे तक लगातार जारी रही, जहां किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं हुआ और लगभग 50 दुकानों को अतिक्रमण कर हटा दिया गया, जिसका रकवा नंबर 1028/1/1 शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाया गया। सर, ये जो आज का अतिक्रमण चल रहा है पपौंद के निपन्या तिराहे में, तो वो कितने को लेकर चल रहा है, कितने मीटर लेके चल रहा है? लगभग ये लगभग 1 हेक्टेयर के समथिंग है जी। और इसमें लगभग 40 लोगों को नोटिस दिए गए थे जी, और एक एक करके अतिक्रमण हटाया जा रहा है और काफी हद तक लोगों ने प्रयास करके स्वयं से भी हटाया है जी। और जहाँ लोग नहीं हटा पा रहे हैं वहाँ उनकी मदद की जा रही है, और इस क्षेत्र को आप देख सकते हैं लगभग हमने साफ ही करा दिया है। सर, अभी तक में कितना अतिक्रमण क्षेत्र मुक्त करवा चुके हैं आप यहाँ तक? अभी ऐसा कोई अपने पास कोई फिक्स डाटा तो नहीं, लेकिन हमने ब्योहारी में भी कार्रवाई की है और पपौन में इसके पहले भी कार्रवाई की है, और अगला हम कार्रवाई बाणसागर में भी करेंगे। तो अब जगह जगह पे हम अभी कितने टाइम से चल रही है लगभग लगातार? ये काफी लंबे समय से चल रही है, लेकिन अभी तो अभी कुछ दिनों से काफी त्वरित प्रक्रिया अपनाई गई है और लगातार कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग, और सबसे ज्यादा कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं भूमाफिया और जो मतलब आपराधिक किस्म के लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई है। अच्छा सर, अभी जब ये आप अतिक्रमण करवा रहे हैं, इस दौरान आपके पास कोई समस्या किसी भी तरह के व्यवधान आया क्या? किसी प्रकार की कोई समस्या लोगों के द्वारा कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है और लोगों ने बहुत सहयोग किया है और स्वयं के द्वारा भी अपने ठेले हटा लिए गए हैं जी, और काफी अच्छा वातावरण है जो कि हमें पहले कभी शायद ही देखने को मिले कि अतिक्रमण की कार्रवाई इतनी शांतिपूर्ण तरीके से हटाई गई। कैनन न्यूज के लिए शहडोल से ब्रजेश शर्मा की रिपोर्ट।